आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। दामाद श्री के नाम से वाड्रा की फिल्म दिखाए जाने से बौखलाई प्रियंका ने बीजेपी को चूहा कह दिया। प्रियंका के इस बयान पर पलटवार करने के लिए बीजेपी के साथ साथ संघ भी कूद पड़ा। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर दामाद श्री के नाम से 6 मिनट की यह फिल्म बनाई तो प्रियंका गांधी तिलमिला गई। बीजेपी को बौखलाया हुआ चूहा कह दिया। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के एक दो दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। और इनको करने दीजिए, जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें, मैं इनसे नहीं डरती हूँ। बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि गीदड़ों को मोदी से डरने की जरूरत है। संघ ने पूछा, आरोपों पर सफाई क्यों नहीं देती प्रियंका? मोदी के बारे आलोचना करना, इससे उनको पता है कि मोदी शेर है और ये जो गीदड़ लोग हैं वो भागने पड़ेंगे। अभी तक जो वो बोल रही है उसमें उनके पति पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में तो उन्होंने कुछ सफाई दी नहीं। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी पहले ऐसे आरोप लगाती रही है, नया कुछ भी नहीं है। कोई नया इल्जाम उसमें नहीं है, वो पूरा जो पंपलेट है वो मैंने पढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी कब से इस तरीके के इल्जाम लगाती चली आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद बीजेपी ने प्रियंका गांधी की भाषा पर हमला बोला। प्रियंका ने बीजेपी को चूहा कहा तो जेटली ने अपनी चुनावी डायरी में लिखा, उन्होंने अपनी भाषा से राजनीतिक संवाद का स्तर गिरा दिया है और वाड्रा परिवार को कानून से डरने की आवश्यकता है। हालांकि मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में पहली बार प्रियंका गांधी पर बयान दिया। मोदी ने कहा, यह स्वाभाविक है कि एक बेटी अपनी माँ का बचाव करना पसंद करेगी, एक बहन अपने भाई का बचाव करना पसंद करेगी, मुझे उसे लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले कल प्रियंका ने मोदी के 56 इंच वाले बयान पर भी निशाना साधा था। भारत देश इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा पर बीजेपी की सीडी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। राहुल सोनिया बनाम मोदी के मुकाबले में प्रियंका का नाम बीजेपी को रास नहीं आया, खासतौर पर तब जबकि प्रियंका ने मोदी पर हमला बोला कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं और बंद कमरे में हमारे फोन सुनते हैं। प्रियंका, जिन्हें कांग्रेस का ट्रंप कार्ड माना जाता है, उन्हें घेरने के लिए बीजेपी के पास वाड्रा का ही विवाद है और वो वही कर रहे हैं। मोदी और बीजेपी की कोशिश किसी चुनौती के बढ़ने से पहले उसे खत्म कर देने की है। मनीष चौधरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।